अरे ये साड़ी लगता है ऊपर से किसी की गिरी है। दिखने में तो ये अच्छी लग रही है और रंग भी अच्छा है। एक काम करती हूँ, इसे मैं ले लेती हूँ। हाँ अरे करिश्मा, मेरी साड़ी ना तुम्हारी बालकनी में गिर गई है, तो देखना जरा। साड़ी? कैसी साड़ी? मैं अभी जाकर आई, दूर दूर तक आपकी साड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। सुनी भैया। हाँ ये क्या बेचने बैठे हो? वो होली आ रही है ना, इसलिए होली के रंग बेच रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आप लोगे क्या? नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी। ठीक है। अरे मेरे होली वाले रंग कहाँ गए? मैंने यहाँ पे ही तो रखे थे। आंटी? हाँ क्या है? आंटी मुझे पैसे देना ना। पैसे चाहिए तुझे? हाँ। अच्छा तो एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर, मैं तुझे बहुत सारे पैसे देती हूँ, ठीक है? ठीक है। आंटी, आंटी कहाँ गए? और पैसे, पैसे कहाँ गए? अब क्या करूँगी? पूजा भाभी। हाँ आइए आइए, कभी हमारे गरीब खाने में भी आइए। अरे क्या आप भी? अरे आइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर आपको वो आपकी खोई हुई साड़ी मिली? नहीं वो तो नहीं मिली। अच्छा तो एक काम करो, आप खुद ही बालकनी में जाके ढूंढ लो, शायद आपको मिल जाए। हाँ मैं देख कर आती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि ये क्या क्या लेकर आई है। अरे साड़ी तो नहीं मिली। वही ना, मैं आपको वही तो बोल रही थी कि साड़ी है ही नहीं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। बाय बाय। करिश्मा, करिश्मा। हाँ अरे कुणाल आया है, गर्मा गर्म चाय बना के ला। हाँ हाँ मैं अभी लाई। भैया अभी तक 10,000 रुपए ही हुए। अरे मेरे पैसे कहाँ हैं? हेलो, क्या पैसे खो गए? रुक मैं अभी आता हूँ। पैसे तो मेरे पास हैं। मम्मा मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा मैं अभी लाई।
अरे रोटी कहाँ गई? मैंने रोटी तो बनाई थी। और सब्जी? सब्जी कहाँ गई? और ये सारे डिब्बे खाली कैसे हैं? अरे सारा का सारा खाना कहाँ गया? मम्मा मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा देखो ना, मेरे सारे कपड़े गायब है। क्या? हाँ, यहाँ तक कि मेरे पिगी बैग के पैसे भी गायब है। पर कहाँ जा सकते हैं? मम्मा पता नहीं कहाँ गए। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ। रिद्धि, रिद्धि बेटा क्या हुआ, उठ। एक काम करती हूँ, डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। हाँ, मैंने वो 10,000 रुपये इसी में रखे थे। अरे कहाँ गए? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसाया? उसी ने सारा सामान चोरी कर दिया। अब मैं क्या करूं? भगवान जी, ये कैसे दिन आ गए हैं मेरे। आज ना घर में खाना है और ना ही कपड़े, सारी चीजें गायब हो गई हैं। यहाँ तक कि रिद्धि भी बेहोश पड़ी है। भगवान जी, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? कुछ पर दया करें भगवान जी। क्यों, जब तुमने दूसरों के पैसे और चीजें चुराई तब तुम्हें दया नहीं आई? तुमने जो साड़ी चुराई उसने कितनी इच्छाओं के साथ उस साड़ी को खरीदा होगा, तब तुम्हें दया नहीं आई? तुमने होली के रंग जिससे चुराए वो बेचारा पूरे दिन धूप में रंग बेचता फिरता है, तब तुम्हें दया नहीं आई? जब उस छोटी बच्ची ने तुमसे पैसे मांगे, पैसे देने के बजाय तुमने उससे पैसे चोरी कर लिए, तब तुम्हें दया नहीं आई? तुम पर भरोसा करकर तुम्हारी पड़ोसी तुम्हारे घर आई और तुमने क्या किया, उसका खाना ही चुरा लिया, तब तुम्हें दया नहीं आई? वो लड़का 10,000 रुपये अपनी माँ के इलाज के लिए लगाने वाला था और तुमने उससे ही पैसे चोरी कर लिए, तब तुम्हें दया नहीं आई? तो मैं तुम जैसी निर्दय पर कैसे दया कर सकता हूँ? हमने तुम इंसानों को हाथ पैर दिमाग इसलिए दिया क्योंकि इससे तुम मेहनत करके खुशी खुशी रह सको, पर तुमने क्या किया? भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी की हुई गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बस आप एक और मौका दीजिए ताकि मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार सकूँ। भगवान जी मुझे प्लीज एक और मौका दीजिए। माँ। बेटा तू ठीक है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सारी चीजें भी वापस आ गई। अच्छा मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया ये रंग कितने के हैं? अरे ये रंग तो चोरी हो गए थे, फिर यहाँ पे कैसे? अरे भैया बोलिए ना कितने के हैं? 500 रुपये। अच्छा ये लीजिए। बेटा आपको पैसे चाहिए थे ना? हाँ। ये लो। और बेटा रुको, ये लो आपके लिए चॉकलेट, ये लो ये तुम्हारे लिए।
मुझे भाभी। हाँ ये लीजिए, वो आप आज सुबह ना ये थैली भूल गए थे, लीजिए। और ये साड़ी ना मुझे बालकनी से ही मिली, शायद आपको और मुझे दिखी ना हो, लीजिए। अरे अच्छा हुआ, इस थैली का तो मुझे याद ही नहीं था, और साड़ी अच्छा हुआ आपको मिल गई, साड़ी के लिए शुक्रिया। सुनिए। हाँ ये 10,000 रुपये ना नीचे वॉचमैन भैया को मिले थे तो उन्होंने मुझे दे दिए, तो लीजिए ये कुणाल को दे देना। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं अभी कुणाल को फोन करता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगा।